नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू और आप देख रहे हैं टेक्निकल सोनू टेक चैनल। दोस्तों वीडियो बहुत ज़्यादा यूजफुल आप सभी प्लम्बर के लिए रिपेयरिंग का वीडियो है। दोस्तों अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं बाथरूम वाला एरिया दिखाई दे रहा है और इस बाथरूम में दोस्तों अभी यहाँ पे वाटर मिक्सिंग का कोई भी व्यवस्था नहीं है। ठीक है, तो क्लाइंट का डिमांड है कि यहाँ पे गीजर लगेगा और गीजर का भी पॉइंट नहीं है, तो गीजर का पॉइंट मैं बनाऊंगा। उसके बाद दोस्तों टाइल्स को ब्रेक करके वहाँ पे वाटर को मिक्स करने के लिए ये डाइवर्टर लगाया जाएगा। पानी को मिक्सिंग करने के लिए दोस्तों दो दो ऑप्शन है आपके पास। एक तो आप वाल मिक्सर लगा सकते हैं और सेकेंड दोस्तों ये कि यहाँ पर आप किसी भी तरह का डाइवर्टर आप लगा लीजिए। ठीक है, तो इस वीडियो में दोस्तों आज मैं आपको यहाँ पर टाइल्स को ब्रेक करके PPR पाइप अंदर कनेक्ट है तो उसमें मैं आपको ये डाइवर्टर इंस्टॉल करना सिखाऊंगा। पूरा प्रोसेस क्या होगा कंप्लीट जानकारी दूंगा, इसलिए लास्ट तक वीडियो को देखिए और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ऑल पे क्लिक कीजिए ताकि मेरी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आपसे कोई भी अपडेट मिस ना होने पाए। तो दोस्तों अब आइए यहाँ पर सब कुछ मैं आपको बताता हूँ कैसे यहाँ पर डाइवर्टर को फिट किया जाएगा। देखिए यहाँ पे दो टाइप दिख रहा है, यहाँ पे ये वाला दोस्तों ये फ्रेश वाटर है, मोटर वाला है, और ये दोस्तों कोल्ड वाटर है, टैंक से आ रहा है। शावर है ऊपर और यहाँ पे ये कंसील लगाया गया है शावर को ऑपरेट करने के लिए, ऑन ऑफ करने के लिए। गीजर का पॉइंट यहाँ पे नहीं है तो सबसे पहले ये टैप वगैरह को रिमूव कर लेंगे। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे कटिंग चिपिंग पूरा कंप्लीट कर लिया गया है। यहाँ पे क्लाइंट का देखिए एक दो तीन टाइल यहाँ पे टूटा है, तीन टाइल नया लग जाएगा और बाकी सावर वाला जो पॉइंट है दोस्तों वो सेफ है टाइल्स यहाँ पे। ठीक है, और देखिए ये PPR पाइप है, इसको हम लोग PPR टू CPVC कनेक्ट करके अभी यहाँ पे कनेक्ट करेंगे। और अब देखिए यहाँ पे ये कोल्ड वाटर सप्लाई लाइन है जो कि यहाँ से खोल के उसके बाद यहाँ पे MTE आपको लगा लेना है। ठीक है, तो अब बिल्कुल यहाँ पे रेडी है। उसके बाद गीजर का पॉइंट जो है दोस्तों देखिए यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे राइट साइड कोल्ड वाटर आ रहा है, उसके बाद हॉट वाटर जो है दोस्तों वो यहाँ से निकल के देखिए ओवरबैंड लगेगा, 45 का ओवरबैंड यहाँ पे आएगा, उसके बाद यहाँ डाइवर्टर में कनेक्ट होगा। ठीक है, चलिए अब मैं आपको बताता हूँ आगे का फिटिंग आप कैसे करेंगे। चलिए इसको सबसे पहले खोल लेना है। देखिए इसको मैं खोल लिया और यहाँ पे दोस्तों जो दिख रहा है ये पौना बाई पौना का टी है क्योंकि इसके पीछे टॉयलेट है, टॉयलेट में भी लाइन गया हुआ है। अब हम यहाँ पे दोस्तों क्या करेंगे, CPVC का जो है ना वो ब्रास MTE लगाएंगे जो जिसका जो साइज होगा दोस्तों वो 3x3x4 होगा। ठीक है, ये देखिए 3x3x4 है। अब ये यहाँ पे इस तरह से कनेक्ट हो जाएगा। मोटर वाला जो लाइन है दोस्तों फ्रेश वाला वो उसको अब मैं डिस्टर्ब नहीं किया हूँ। ठीक है, देखिए ये इस तरह से सेफ यहाँ पर पड़ा हुआ है। देखिए यहाँ पे तो यहाँ पे फ्रेश वाटर भी आएगा, अलग से टैप लगा हुआ है पहले से ही, और जो डाइवर्टर भी मैं लगा रहा हूँ उसमें हॉट और कोल्ड मिक्स करके आएगा, स्पाउट में भी और शावर में भी जाएगा। ठीक है, तो अब चलिए सबसे पहले इसको यहाँ पे कनेक्ट करेंगे। देखिए डाइवर्टर में दोस्तों चारों MTE में टाइट कर लिया प्रॉपर, यहाँ पे टेबलान वगैरह आपको प्रॉपर लगा लेना है क्योंकि रिपेयरिंग वर्क है ऑलरेडी ही। ठीक है, और यहाँ पे लेके जाएगा तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होगा, टाइल्स ब्रेक करना पड़ेगा। चार MTE लगा लिया। डाइवर्टर के बारे में बता दूँ थोड़ा सा, मैं पारस का नॉर्मल फ्लो का डाइवर्टर है। ठीक है, राइट साइड कोल्ड वाटर है, लेफ्ट साइड हॉट वाटर है, और ऊपर यहाँ पे शावर आउटलेट है, नीचे यहाँ पे स्पाउट आउटलेट है। सिंगल लीवर का डाइवर्टर है, टू इनलेट है, टू आउटलेट है। टू इनलेट मतलब कोल्ड वाटर यहाँ पे इन हो रहा है, उसके बाद यहाँ पे हॉट वाटर इनलेट हो रहा है, दूसरा इनलेट हो गया, उसके बाद टू आउटलेट समझिए। देखिए पहला आउटलेट हो गया ये शावर वाला, दूसरा आउटलेट हो गया स्पाउट वाला। अब यहाँ पे इसको इस तरह से लगाएंगे। ठीक है, कोल्ड वाटर आके यहाँ पे कनेक्ट होगा, हॉट वाला यहाँ से आएगा और ये शावर में कनेक्ट होगा, नीचे यहाँ पे स्पाउट रहेगा।
देखिए यहाँ पे दोस्तों डाइवर्टर मैं पूरी तरह से इंस्टॉल कर दिया हूँ। देखिए यहाँ पे मैं आपको एक बार फिर से पूरा कनेक्शन मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पे ये पुराना वाला कोल्ड वाटर सप्लाई लाइन है। देखिए कोल्ड वाटर है, यहाँ पे MTA दिया, उसके बाद यहाँ पे 3/4 का T दिया, सॉरी देखिए यहाँ पे 3/4x3/4 का ब्रास MTA दिया। रिपेयरिंग में दोस्तों आप PVC थ्रेड का MTA नहीं देंगे, हमेशा ब्रास थ्रेड का MTA आप यूज करिए। देखिए 3/4x3/4 का ब्रास MTA दिया, 3/4 का यहाँ पे T दिया, उसके बाद देखिए यहाँ पे इस तरह से इतना टुकड़ा दिया, फिर यहाँ पे दे दिया 3/4x1x2 का ब्रास MTA। दोस्तों ये हो गया कोल्ड वाटर। गीजर का पॉइंट कभी भी दोस्तों हमेशा राइट साइड कोल्ड वाटर होता है, लेफ्ट साइड में हॉट वाटर होता है। दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है दोस्तों वो आप कम से कम 6 इंच रखेंगे, मैक्सिमम 7 इंच रख। अभी हाइट में बताता, लेकिन दोस्तों अभी देखिए इसका हाइट जो है ना वो काफी ज्यादा कम है, 6 फीट है बाथरूम में, इसलिए इसको मैं नीचे कर दिया हूँ। यहाँ पे गीजर इंस्टॉल होगा, तो ये राइट साइड कोल्ड वाटर, लेफ्ट साइड हॉट वाटर। यहाँ पे आया, देखिए यहाँ पे 45 लगा के ओवरवेंट बनाया मैं, 4/45 लगता है ओवरवेंट बनाने। 45 से ओवरवेंट कैसे बनाते हैं इसका भी वीडियो मैं दिया हूँ। देखिए इस तरह से यहाँ पे क्रॉस किया PPR पाइप को, एक एल्बो दिया, नीचे लिया एक एल्बो दिया, यहाँ पे दे दिया 3/4x1x2 का ब्रास MTA, जो कि यहाँ पे डायवर्टर में इस तरह से कनेक्ट कर दिया। डायवर्टर में हमेशा कभी भी दोस्तों आप कंजूसी मत करिए, ठीक है, बार्गेनिंग मत करिए, हमेशा ब्रास MTA यूज करिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे 4 ब्रास MTA लगा है, यहाँ पे लेफ्ट साइड हॉट वाटर, राइट साइड कोल्ड वाटर, ऊपर यहाँ पे आउटलेट है, ये शावर आउटलेट, नीचे यहाँ पे स्पाउट आउटलेट, ठीक है। देखिए यहाँ पे फ्रेश वाटर आ रहा था, इसलिए इसको मैं 1/45 लगा के इस एंगल में कर दिया। अभी ये क्या है, ये हैंडल सेंटर में आ गया और दोनों टैप यहाँ पे इस तरह से हैंडल बीच में आएगा, अच्छा दिखेगा, ठीक है। तो डाइवर्टर पूरी तरह से यहाँ पे इंस्टॉल हो, और देखिए सप्लाई भी यहाँ पे ऑन कर दिया हूँ मैं, सप्लाई ऑन करके चेक कर लेना है, कहीं भी लीकेज वगैरह नहीं होना चाहिए। और देखिए मैं आपको बता दूं इस तरह से, देखिए बहुत ही फिनिशिंग से काम हुआ है, ताकि जो है ज्यादा तोड़फोड़ ना हो। अभी क्लाइंट का क्या है, यहाँ पे 1, 2, 3 और ये 3, 6 टाइल लगेगा, ठीक है, 6 टाइल्स में ये पूरा कम्प्लीट हो जाएगा। यहाँ पे हाईलाइटर डाल दिया जाएगा डिजाइन वाला, जो की काफी अच्छा दिखे। तो इस तरह से दोस्तों आप भी कर सकते हैं, अगर जिस बाथरूम में गीजर का पॉइंट नहीं है और वॉल मिक्सर या फिर डाइवर्टर नहीं लगा हुआ है पानी को मिक्स करने के लिए, शावर में भी भेजने के लिए, उस पाउड में भी भेजने के लिए, तो इस तरह से आप डाइवर्टर या वॉल मिक्सर का पॉइंट बना सकते हैं। बीच में हाइलाइटर टाइल्स को लगा देंगे, ताकि जो है अच्छा दिखे जहाँ पे वॉल मिक्सर या डाइवर्टर आपका लग रहा है। अभी इस केस में डाइवर्टर यहाँ पे लग गया है, वाटर को आप मिक्स करके शावर में भी ले सकते हैं और यहाँ पे स्पाउड में भी आएगा, ठीक है। तो आज का वीडियो दोस्तों पूरा हुआ। इस वीडियो में मुझे आपको यही अवेयर करना था कि दोस्तों यहाँ पे आप ये डाइवर्टर को आप किस तरह से फिट करेंगे रिपेयरिंग के दौरान, ठीक है। तो आज का वीडियो पूरा हुआ, हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और उम्मीद करता हूँ आज मैं आपको जो कुछ भी एक्सप्लेन किया वो सब आपकी समझ में आया होगा। कहीं भी कोई भी कंफ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन टाइप करिए, उसका रिप्लाई करने की कोशिश करें। और अधिक जानकारी के लिए दोस्तों आप लोग मुझे मेरे फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर फॉलो कीजिए, सबका लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा, जहां से आप हमें फॉलो कर सकते। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ फिर किसी अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ।